दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और उससे भी ज्यादा चर्चा होती है बयानों पर लिए यू टर्न की। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम जन्मभूमि पर बधाई वाला ट्वीट क्या किया, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके पुराने बयानों को निकालकर मुख्यमंत्री पर मीम्स बनने लगे। चलिए अब हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री के राम मंदिर पर कुछ पुराने बयान सुनाते हैं जो अब फिर से चर्चा में है। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये जब बार बार पिछले एक महीने से बीजेपी ने भी कहना चाहे मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन हर पांच साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया, किया जाएगा तो आप जाएंगे। जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भूमि पूजन के मौके पर पूरे देश को बधाई, भगवान राम का आशीर्वाद हम पर बना रहे, उनके आशीर्वाद से हमारे देश को भुखमरी, अशिक्षा और गरीबी से मुक्ति मिले और भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। आने वाले समय में भारत दुनिया को दिशा दे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।